हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं और अच्छे ब्याज के साथ साथ अपने पैसे की सुरक्षा भी चाहते हैं, तो हम आपको पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स बताने जा रहे हैं। आप इन स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। इनमें आपको बेहतर ब्याज के साथ साथ आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी भी आपको मिलेगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारी स्कीम्स को। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की सबसे पहली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। पोस्ट ऑफिस की ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। तो घर में है कोई छोटी बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष तक की है, तो फिर बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप इस सुकन्या समृद्धि योजना को ले सकते हैं। ये बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम है। सुकन्या समृद्धि खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। इसमें आप न्यूनतम 250 रुपए जमा कर सकते हैं, अधिकतम आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें बालिका के माता पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता ओपन करवा सकते हैं। खाता खुलने के बाद इसमें 15 साल तक पैसा जमा करवाना होता है। इस योजना में आजकल 7.6% का ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर हर 3 महीने बाद बदलती रहती है। तो व्यूअर्स, इस योजना में अगर कोई व्यक्ति 2021 में 12.5 हजार रुपए महीने से अकाउंट ओपन करवाता है तो वह 15 सालों तक यानी कि 2034 तक हर साल 1.5 लाख रुपए इसमें डालेगा। इस पर उसे हर साल 7.6% से ब्याज मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 63,79,635 रुपए मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन 15 सालों में बच्ची के जो माता पिता हैं या जो भी गार्जियंस हैं, उन्होंने अकाउंट में कुल 22,50,000 रुपए ही जमा किए। इसमें उन्हें जो ब्याज के मिले वो 41,29,365 रुपए उनको ब्याज के मिले। तो काफी अच्छी स्कीम है ये सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप इस खाते में बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो बच्ची के 18 वर्ष आयु पूरा कर लेने के बाद आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जो भी जमा राशि है उसका 50% तक की राशि इसमें से आप निकाल सकते हैं। और यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद भी कराया जा सकता है। इसके बाद इस खाते में जो भी रकम जमा है वो बच्ची के माता पिता या जो भी उसके अभिभावक हैं उनको वापस मिल जाती है। व्यूअर्स, ये खाता बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इस योजना के तहत खुलने वाले खाते को आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इस योजना में आपको जो भी ब्याज मिल रहा है उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आपके घर में कोई छोटी बेटी है तो इस अकाउंट को जरूर ओपन करवा लेना चाहिए। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं अगली स्कीम के बारे में। तो ये भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस की ये दूसरी स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष के ऊपर है। इसे SCSS के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इस स्कीम में 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप लोगों के लिए ये बेहतर स्कीम साबित हो सकती है, क्योंकि जो लोग रिटायर होते हैं तो उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम को लेता है तो 7.4% के इंटरेस्ट से काफी अच्छा खासा अमाउंट वो बना सकता है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो तिमाही आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल के बाद भी अगर इसे और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे 3 साल के लिए और आगे बढ़वा सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप समय से पहले इसमें से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस स्कीम से पैसा निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसको बीच में बंद भी करवाना चाहते हैं तो आप बंद भी करवा सकते हैं। तो अगर आप 1 साल के अंदर इसको बंद करवाते हैं तो आपको 1.5% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप इसे 2 साल में बंद करवाते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स छूट को देखें तो आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी इसमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपका ब्याज 50,000 रुपए से अधिक हो रहा है तो उस पर टैक्स देना होगा आपको। तो व्यूअर्स, कोई भी सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 15,00,000 रुपए अगर वो जमा करते हैं तो 7.4% के इंटरेस्ट से 5 साल बाद उन्हें लगभग 20,00,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कराना चाहते हैं तब उन्हें मैच्योरिटी पर 23,00,000 रुपए मिल जाएंगे। तो काफी अच्छी स्कीम है 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए। अगर उनके पास इकट्ठा पैसा है तो इस स्कीम में उन्हें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये 100% सुरक्षित है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ स्कीम को भारत सरकार ने शुरू की है। इसमें जो भी आप पैसा जमा करेंगे वो 100% सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी सरकार लेती है। अगर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी भी तरह का दिवालिया हो भी जाए तब भी सरकार आपके पीपीएफ अकाउंट के पैसे को डूबने नहीं देगी। इसके अलावा इस स्कीम से होने वाली इनकम अंडर सेक्शन 80C के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री भी है, यानी इस स्कीम पर किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्कीम को कौन ओपन करवा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे आप बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, कोई भी इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। यहां तक कि इसमें एज लिमिट का भी कोई भी बंधन नहीं है, आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट को इसमें ओपन करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और पीपीएफ अकाउंट को आप किसी के साथ जॉइंटली भी आप ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन अपनी पत्नी या पति मिलकर आप इस अकाउंट को अलग अलग ले सकते हैं। तो इस स्कीम में मिनिमम आप 500 रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं। तो अभी पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि पीपीएफ में आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री रहती है। तो आपको बता दें कि ये स्कीम EEE स्कीम है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब आप जब पैसा जमा करने जाएंगे तब कोई टैक्स नहीं लगेगा और इस पर जो ब्याज मिलेगा तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मैच्योरिटी के बाद आप इसमें से पैसे निकालने जाएंगे तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी पूर्ण रूप से ये टैक्स फ्री स्कीम है। व्यूअर्स, पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल के लिए रहता है, यानी कि आप अपने पैसे को इस स्कीम से 15 वर्ष बाद ही निकाल पाएंगे। पीपीएफ में नॉमिनी बनाने की भी सुविधा है, आप किसी अपने को नॉमिनी भी बना सकते हैं जो आपके बाद इस पैसे का उपयोग कर सकता है। अगर आप पार्शियल पेमेंट करना चाहें तो पीपीएफ खाते के 7 साल पूरे हो जाने पर आप पीपीएफ में से कुछ रकम निकाल भी सकते हैं। आप इसमें से जो भी पार्शियल पेमेंट करेंगे वो भी टैक्स फ्री ही होगी। व्यूअर्स, पीपीएफ में एक्सटेंड फैसिलिटी भी है। पीपीएफ खाते के मैच्योरिटी के बाद आप इसको और 5-5 साल के लिए आगे बढ़वा सकते हैं। तो अगर आप इसमें 15 सालों तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप इसमें 15 साल तक 22,50,000 रुपए जमा कर लेंगे, लेकिन आपको मैच्योरिटी पर 15 साल बाद मिलेंगे 40,68,208 रुपए। और अगर आप इसको 5 साल के लिए और बढ़ाते हैं तब आप इसमें टोटल जो जमा कर लेंगे वो 30,00,000 रुपए इसमें आप जमा कर लेते हैं, लेकिन 20 साल बाद मैच्योरिटी पर इसमें आपको मिलेंगे 66,58,287 रुपए। तो काफी अच्छी खासी रकम हो जाएगी अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो इसी तरह से अगर 5 साल के लिए और करते हैं, यानी कि इसको 25 साल के लिए इसमें निवेश करते हैं पीपीएफ में, तब आप इसमें टोटल जो जमा कर लेंगे वो 37,50,000 रुपए इसमें जमा कर लेंगे, लेकिन 25 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर इसमें 1,03,08,012 रुपए इसमें मिलेंगे। तो अगर आप 25 सालों तक 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें जमा करते हैं तो 25 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। इसी तरह से इस अकाउंट को पत्नी अपने पति के लिए या पति अपनी पत्नी के लिए अलग अलग पीपीएफ अकाउंट लेते हैं और इसमें सेम अमाउंट 1.5 लाख रुपए हर साल का डालते हैं, और उस दो बार उसको अगर वो एक्सटेंड करवाते हैं यानी 25 साल तक उसको चलाते हैं तब उनको 2,06,16,000 रुपए के करीब मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोने का अंडा देने वाली स्कीम है उन लोगों के लिए जो हर महीने कुछ पैसा बचत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको 100% सुरक्षित टैक्स फ्री अमाउंट अंत में मिलेगा, किसी भी तरह का इसमें टैक्स नहीं लगेगा।
तो व्यूअर्स, ये थी पोस्ट ऑफिस की वो स्कीम जिनमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। इनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं और इन सभी स्कीमों में आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट और पैसे की 100% सुरक्षा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।